अर्थुरुल, ये आज दूसरी बार है जो तुमने मेरी जान बचा ली। तुम क्यों मदद कर रहे हो मेरी इस तरह? जब तक तुमने हमसे दुश्मनी की तब तक मैंने तुमसे जंग की। तुमने जुल्म किया जिसकी सजा मिली तुम्हें, लेकिन अब तुम मुश्किल में घिरे हुए थे, इसीलिए तुम्हें बचाया है। मुसीबत में घिरे मजबूर लोगों की हम हमेशा मदद करते हैं। अब जा सकते हो, जहां जाना। अर्थुरुल, रुको रुको रुको, मत जाओ मत जाओ। मैं ये सब समझने से कासिर हूं अर्थुरुल। मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया, न जाने कितनी ही बार तुम्हारे लिए मौत का जाल बिछाया, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने मुझे आजाद कर दिया। मेरी जान बख्श दी, मुझे जिंदा रहने की इजाजत दे दी तुमने। इसकी वजह सिर्फ वादा नहीं, यकीनन कोई असीम मकसद है इसके पीछे। ऐसा करने पर तुम्हें किस बात ने मजबूर किया? मैंने पहले भी कहा था एरिस, अगर बात मेरी जात की होती तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता, लेकिन मेरे नफ्स से कहीं ज्यादा अहम मेरा दीन और ईमान है। ये मेरे दीन की तालीमात हैं, अपनी ख्वाहिश के नहीं बल्कि अपने दीन के ताबे हूं मैं। अगर तुम्हारे दीन की यही तालीमात है अर्थुरुल, तो फिर तुम्हारा दीन ही दीन हक है। और अगर तुम अपने गुस्से और अपने जज्बात में आके अमल नहीं करते बल्कि अपने दीन पर ही रहते हो, तो फिर तुम्हारे जैसे नेक आदमी के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेहरबानी करो, मुझे बताओगे कैसे तुम्हारे दीन को अपना सकता हूं मैं? मैंने ऐसा खुलूस और इखलाक अपने किसी करीबी दोस्त तक में नहीं देखा। मैं वो आदमी हूं जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं। मुमकिन है अल्लाह ने तुम्हारी दोस्ती और दीन की सूरत में मुझे एक आखिरी मौका दिया हो। अब जो मैं कह रहा हूं वो दोहराते जाना है रिस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।